दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विक्टोरियन एज में हम लोग दोस्तों पोएट्री और साथ ही साथ ड्रामा का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस सेक्टर से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप और सही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, यदि हम बात करें विक्टोरियन एज की, तो यह जो एज है ये नोबेल के लिए जाना जाता है। इसमें नोबेल बहुत ही ज्यादा लिखे जाते हैं। पोएट्री की बात करें तो पोएट्री बहुत ज्यादा नहीं लिखे गए हैं, फिर भी कुछ पोएट्री है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और जो पोएट थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वह इस एज के रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे, इसलिए इस लिहाज से भी आपको ये पढ़ना चाहिए पोएट्री सेक्शन। दोस्तों पोएट्री इन विक्टोरियन एज, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड अल्फ्रेड टेनिसन वेयर नोटेबल पोएट्स इन विक्टोरियन पीरियड। यदि हम बात करें विक्टोरियन पीरियड की दोस्तों, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन नोटेबल पोएट्स हैं, मतलब यही प्रमुख पोएट हैं। इसके अलावा आपको मैथ्यू आर्नोल्ड भी मिलेंगे। तो इन तीनों चारों राइटर के जो रचनाएं हैं उसको दोस्तों हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनका जन्म दोस्तों 1812 और मृत्यु 1889 में हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज एन इंग्लिश पोएट एंड प्लेराइट। मास्टरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग मेड हिम वन ऑफ फॉरमोस्ट विक्टोरियन पोएट्स। दोस्तों एक पोएम में है ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ये बहुत अच्छे राइटर थे ड्रामेटिक मोनोलॉग की, और ये इनकी जो लेखन शैली थी इन्हें काफी पॉपुलर बना देती है और विक्टोरियन एरा के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर बन जाते हैं। हिज पोएम्स आर नॉन फॉर देयर आयरनी, डार्क ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री। इनकी कविताएं हैं दोस्तों वो जानी जाती है इनके आयरनी के यूज के लिए, डार्क ह्यूमर और सोशल कमेंट्री के लिए। बींग इन्फ्लुएंस्ड बाई शैली, दोस्तों शैली से प्रभावित होकर ही स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, दोस्तों ये पोएट्री लिखना शुरू करते हैं। हिज अर्ली पोएम्स वेयर, इनकी जो शुरुआती कविताएं थी वो पॉलाइन और पैरासेल्सस, ये दो पोएम है इनकी। इसकी पब्लिकेशन होती है 1833 में और ये 1835। इनकी एक इपिक पोएम भी है दोस्तों, याद रखिएगा, द रिंग एंड द बुक मेड हिम अ लीडिंग पोएट। दोस्तों द रिंग एंड द बुक जो है इन्हें एक लीडिंग पोएट बना देती है। द कलेक्शन, इनके रचनाओं की एक कलेक्शन है जिसका नाम है मैन एंड वुमन। एक और कलेक्शन है ड्रामेटिक, याद रखिएगा दोस्तों, द रिंग एंड द बुक इनकी एक पोएम है, इनकी मास्टरी है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है दोस्तों। और इनका एक कलेक्शन है, संग्रहण है, जो एक है आपका मैन एंड वुमेन और एक है ड्रामेटिस्ट ड्रामेट पर्सोनी। दोस्तों इसके अलावा ये एक एसे भी लिखे थे, एसे ऑन शैली वाज इज ओनली नोटेबल वर्क। एसे में इनका यही एक प्रमुख रचना है, याद रखिएगा, एसे ऑन। दोस्तों अब हम बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का दोस्तों जन्म 1869 और मृत्यु 1892 में हुई थी। ही वाज अन इंग्लिश पोएट एंड द पोएट लॉरेट्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। दोस्तों यह पोएट लॉरेट रहे थे क्वीन विक्टोरिया के समय और यह इंग्लिश पोएट है। ही बिकम पोएट लॉरेट्स इन 1850। दोस्तों यह 1850 में पोएट लॉरेट्स बनते हैं। दोस्तों इनसे पहले जो पोएट लॉरेट्स थे वो थे आपके विलियम वॉर्ड्सवर्थ, जो 1813 से लेकर 1850 तक रहे। विलियम वॉर्ड्सवर्थ से पहले पोएट रहे थे रॉबर्ट सौदी, दोस्तों जरूर बताइएगा। जो आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इनके बाद पोएट लॉरेट्स कौन बने, दोस्तों जरूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। यदि इनके हम मेजर वर्क्स की बात करें, रचनाओं की बात करें, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं आपके लिए, जैसे ब्रिक 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 पोएम्स हैं दोस्तों ये सभी, द प्रिंसेस, माउट द आइडल्स ऑफ किंग, द लोटस ईटर्स इन मेमोरियम, तुलसीस, द आइडल्स ऑफ द किंग। दोस्तों सिर्फ इतना ही नाम है, गलत टाइपिंग हो गया है, माउट एक पोएम है इनका और ये जो यहाँ पे है द आइडल्स ऑफ द किंग। दोस्तों यदि हम बात करें उलैसिस की, तो उलैसिस जो है दोस्तों आपका एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उलैसिस क्या है दोस्तों, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यदि हम बात करें इन मेमोरियम, इन मेमोरियम आपका एक इलेजी है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, यह एक इलेजी है। फिर यदि हम बात करें लोटस ईटर्स, तो दोस्तों यह एक फिर आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उलैसिस भी दोस्तों आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इन मेमोरियम दोस्तों एक इलेजी है, आगे हम लोग इनके बारे में डिस्कशन करेंगे।
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मैं वो कवर करते चल रहा हूँ। जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों वीडियो को शेयर करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका कोई भी खर्च नहीं आता है, तो प्लीज मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं बीपीएससी की तैयारी करने वाली छात्रों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए कोई भी एक्सपर्ट इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं, सभी लोग एसएसटी में लगे हुए हैं। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। उलैसिस की दोस्तों यदि हम बात करें, इज अ पोएम बाय टेनिसन, इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स। दोस्तों ये जो आपका पोएम उलैसिस है, इसको लिखा गया था ब्लैंक वर्स में। इट वॉज रिटन इन 1833 एंड पब्लिश इन 1842। दोस्तों ये जो पोएम है इसको लिखा गया था 1833 में और इसको पब्लिश किया गया 1842 में। याद रखिएगा, इसकी यदि हम पब्लिकेशन की बात करें तो कब पब्लिश हुआ है दोस्तों, 1842 में। लिखा कब गया, तो 1833 में। ठीक है दोस्तों, इस पोएम वाज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। पहले ही हम बोले थे कि उलेसिस जो है दोस्तों आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। उलेसिस इज द हीरो ऑफ द पोएम, और इस कविता का जो कैरेक्टर उलेसिस है वही इस चैप्टर का दोस्तों क्या है, हीरो है। अगली जो इनकी पोएम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इट इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ही कंपोज दिस पोएम इन 1835 एंड पब्लिश इट इन 1842। दोस्तों इसको 1835 में ये लिखे, लेकिन पब्लिश कब किए दोस्तों, इसको 1842 में इसको ये पब्लिश किए। दिस पोएम इज अ पर्सनल इलेजी दैट डिस्क्राइब्स टेनिसन्स फीलिंग ऑफ लॉस आफ्टर आर्थर हेनरी हेलम डेथ। दोस्तों ये जो कविता है एक पर्सनल इलेजी है, याद रखिए क्या है, एक पर्सनल इलेजी है जो डिस्क्राइब करता है आर्थर हेनरी हेलम के मृत्यु के बाद टेंशन की जो फीलिंग्स है, होने की जो भाव है, मनोवृत्ति है, उसी को ये एक्सप्रेस करता है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग अ पर्सनल इलेजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिक ब्रिक क्या है, पास्टोरल इलेजी है कि पर्सनल इलेजी है, तो दोस्तों ये क्या है आपका, यह आपका एक पर्सनल इलेजी है। फिर इनकी एक पोएम है इन मेमोरियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। दिस पोएम वॉज कम्पोज बाई टेनिसन, इट इज अन इलेजी। इलेजी मीन्स क्या होता है दोस्तों, ये एक शोक होता है, शोक गीत होता है, फॉर हिज कैम्ब्रिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। याद रखिएगा, आर्थर हेनरी हेलम जो इनके एक कैम्ब्रिज फ्रेंड होते हैं, हु डाइड ऑफ सेरेब्रल हेमरेज एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। दोस्तों इनके जो दोस्त हैं आर्थर हेनरी हेलम, इनकी 22 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है, एट द एज ऑफ 22। किस चीज से होती है, सेरिब्रल हेमरेज से होती है। इसी शोक में, दुख में टेंशन एक कविता की रचना करते हैं इन मेमोरियम, इसीलिए क्या है दोस्तों, एक इलेजी है। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड है हेमरेज का, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि टीजीटी में पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों यदि हम बात करें इन मेमोरियम की, तो इसको पब्लिश किया है दोस्तों 1950 में। तो आई होप ये दोनों पोएम के जो की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्लियर हो पाए होंगे। अब हम बात करेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड, जिनका जन्म 1822 और मृत्यु 1888 में हुई थी। ही वाज अ विक्टोरियन पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक। दोस्तों ये पोएट के साथ साथ याद रखिएगा क्रिटिक भी थे, ऐसे आप इनको क्रिटिक के रूप में ज्यादा जानते होंगे। ही हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ सागा राइटर, याद रखिएगा इनको हम सागा राइटर के रूप में भी जानते हैं। इतना ही नहीं, ही कॉल्ड द थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोएट अलोंग विद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो दोस्तों आपके जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, इनके बाद किसी विक्टोरियन पोएट का नाम आता है तो है आपके मैथ्यू आर्नल्ड साहब। इन्हें हम इस एज के तीसरे महान कवि के रूप में जानते हैं। ही इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलेगिक पोएट। दोस्तों याद रखें, इन्हें हम एलेगिक पोएट के रूप में भी जानते हैं। इतना ही नहीं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म। तो दोस्तों रोमांटिसिज्म से मॉडर्निज्म में पहुंचने के रास्ते में जो ब्रिज का काम किए, वो थे आपके दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड।
तो दोस्तों जो भी आपके सामने पॉइंट 2 से 4 लाइनों में दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत पेपर को एनालाइज करने के बाद लिखा गया है, क्योंकि ये सवाल जो है एग्जाम के फेवरेट सवाल है, वहां पे पूछे गए हैं। तो जरूर तैयारी इन इन सब चीजों को तैयार कीजिएगा। यदि हम बात करें इनके नोटेबल वर्क्स की, तो है डोवर बीच जो एक लिरिक पोएम है, फिर है द स्कॉलर जिप्सी एक पोएम है, थायरिसिस कल्चरल एनार्की, लिटरेचर एंड डॉगमा, द स्टडी ऑफ पोएट्री और रग्बी चैपल। एक एक चीज को दोस्तों हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। दोस्तों यदि हम बात करें थायरिसिस की, तो थायरिसिस इज अ पोएम रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड टू कम्युमरेट हिज फ्रेंड द पोएट आर्थर ह्यू क्लॉफ ओनली एट द एज ऑफ 42 ही डाइड। दोस्तों ये जो है आर्थर ह्यू क्लॉफ, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, इतना याद रखे कि ये 42 वर्ष की उम्र में दोस्तों ये मर जाते हैं। इन्हीं पे क्या है, एक कम्युमरेट है, एक शोक कविता है जो मैथ्यू आर्नोल्ड दोस्तों लिखते हैं। इट इज अ पास्टोरल यूलेजी, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1865। तो ये जो पोएम है आपका थायरिसिस दोस्तों, इसको 1865 में पब्लिश किया गया था, और ये डेडिकेटेड है किस पे, मैथ्यू आर्नोल्ड के एक मित्र हैं जिनका नाम है आर्थर ह्यू क्लॉफ, और इसके पहले जो नाम था वो भी था आर्थर से ही, लेकिन वो हेलम थे। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट है, थायरिसिस एक पास्टोरल इलेजी है और इसकी पब्लिकेशन 1865 है। अब हम बात करेंगे डोवर बीच की। तो डोवर बीच इज अ लिरिकल पोएम ऑफ अ विक्टोरियन इंग्लिश पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड। तो डोवर बीच एक लिरिकल पोएम है। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1867, सबसे पहले दोस्तों इसको 1867 में पब्लिश किया गया था, इन द कलेक्शन न्यू पोएम्स। न्यू पोएम्स के नाम से एक कलेक्शन आया था, कविता था, उसी में दोस्तों इसको 1867 में पहली बार पब्लिश किया गया था। इट इज एन इलेजी, दोस्तों क्या है, इलेजी है जब किसी के मृत्यु पे कोई कविता लिखा जाए तो उसे हम इलेजी ही बोलते हैं। इन विच पोएट लेमेंट्स, जिसमें कवि विलाप करते हैं ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फैथ, यहाँ पे मृत्यु की बात नहीं है, रिलीजियस फैथ की बात है दोस्तों, ओवर द लॉस ऑफ रिलीजियस फैथ कॉज बाय द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड ट्रेड ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसके कारण उस समय समाज में जो रिलीजियस धार्मिक हरास उत्पन्न हुए, उसपे जो कवि मैथ्यू आर्नोल्ड हैं विलाप करते हैं, शोक करते हैं और इस कविता को लिखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब आपका विक्टोरियन एज आता है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, लोगों का जो झुकाव रोमांटिसिज्म में बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो गया था। कविता का जो मोटो था वो कल्पना थी, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे, उससे बाहर होते होकर ये जो आपका विक्टोरियन एज है दोस्तों, इसमें कवि लोग रियलिटी की जो बातें हैं, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो या ड्रामा हो, हर जगह पे रियल बातों को, सोशल प्रॉब्लम्स को टच किया जाता है, न कि कल्पनाशील बातों। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रोमांटिसिज्म का अपोजिट है। इनके एक और रचना है कल्चर एंड एनार्की इन एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म इज अ सीरीज ऑफ पेरियोडिकल एसेज। दोस्तों ये क्या है, एक पेरियोडिकल एसेज का एक सीरीज है, कल्चरल एंड एनार्की ऑन एसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म। किसके द्वारा है दोस्तों, तो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन इन 1867-68, 1867 से 1868 में दोस्तों ये आया था कॉर्नहिल मैगजीन में, एंड कलेक्टेड एज अ बुक इन 1869, और 1669 में इसको बुक का रूप दे दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग विक्टोरियन एज के 3 जो मेजर पोएट हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और फिर मैथ्यू आर्नोल्ड, इन तीनों को हम लोग देखें। अब दोस्तों इस एज में जो ड्रामा है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ड्रामा में भी 2-3 राइटर्स हैं जिनके बारे में कुछ आपको लिटिल बिट नॉलेज होना चाहिए, कम से कम उनके वर्क्स के बारे में। द डोमिनेटेड ड्रामेटिस्ट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड वेयर हेनरी आर्थर जॉन्स, आर्थर विंग पेनरो, ऑस्कर विल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, दोस्तों इनको कौन नहीं जानता है, इनको शेक्सपियर के बाद सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में गिना जाता है।
तो इन दो राइटर के बारे में हम लोग देखेंगे, और इनके दोनों राइटर्स के जो महत्वपूर्ण रचना है उसके भी पर भी हम लोग अपना रिव्यू लेंगे। दोस्तों इस विक्टोरियन एज में मेलो ड्रामा बिकम द मोस्ट पॉपुलर, तो मेलो ड्रामा काफी पॉपुलर हो गया। ऑस्कर विल्ड बिकम द लीडिंग पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द लेट विक्टोरियन पीरियड। तो दोस्तों पूछा जाए कि ये जो ऑस्कर विल्ड थे ये किस एज के राइटर हैं, तो याद रखिएगा लेट विक्टोरियन पोएट, लेट विक्टोरियन पीरियड। तो दोस्तों आप यदि जानते हैं तो बताइएगा कि ऑस्कर विल्ड जो है ये किस देश के राइटर। ऑस्कर विल्ड वाज एन आयरिश पोएट एंड प्ले राइट ड्यूरिंग 1880s एंड 1830s। दिस पॉपुलर प्लेज आर हिज पॉपुलर प्लेज आर 1880 से 1830 के बीच में काफी पॉपुलर राइटर रहे। इनके हम महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें द वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, दूसरी रचना है अन आइडियल हस्बैंड, और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इनकी ये पॉपुलर ड्रामा है। यहीं पे इनकी बात करें एक और रचना है हैप्पी प्रिंसेस, द हैप्पी प्रिंसेस के नाम से इनका दोस्तों एक फेरी टेल आता है, याद रखिएगा द हैप्पी प्रिंसेस। इसके भी रचनाकार जो हैं आपके ऑस्कर विल्डे हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि एक आयरिश पोएट है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे ही कि किस देश के कवि हैं। दोस्तों अब आपके सामने जो नाम आ रहा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट राइटर हैं। यदि टाइम मिला तो इनका हम लाइव स्ट्रीम लेकर आएंगे, एक बायोग्राफी लेकर आएंगे। दोस्तों इनकी जो जन्म है 1856 में होती है और मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1950। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज एन आयरिश प्ले राइट क्रिटिक पोलेमिसिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। दोस्तों ये जो वर्ड है पोलेमिसिस्ट ये आपके वन वर्ड में बन सकता है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि पोलेमिसिस्ट का मीनिंग क्या होगा। ही रोट मोर देन 60 प्लेज, 60 से भी ज्यादा प्लेज जो दोस्तों लिखे। इनकी यदि हम प्लेज की बात करें तो एंटी रोमांटिक प्लेज ये लिखते थे, एंटी रोमांटिक प्लेज वे रिटन बाई सा, याद रखिएगा एंटी रोमांटिक प्लेज। ही इज कंसिडर्ड द सेकेंड शेक्सपियर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा। दोस्तों इन्होंने ड्रामा के जनर में जो योगदान दिया उसके आधार पे इन्हें हम दूसरा शेक्सपियर मानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के बाद जो सबसे महान ड्रामेटिस्ट हुए वो थे दोस्तों आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो एक आयरिश प्ले राइट थे। ठीक है दोस्तों, यदि हम इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो दोस्तों बात ही नहीं, ये सारे वर्क्स आपको याद होने चाहिए। पहला है मैन एंड सुपरमैन, फिर है आर्म्स एंड द मैन, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, कैंडिडा, एप्पल कार्ट। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिला था, इनकी किस रचना के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जो नोबेल प्राइज इनको मिला था दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएगा कि इनकी किस रचना के लिए मिला था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैन एंड सुपरमैन की बात करें तो यह एक फोर एक्ट ड्रामा है। पूछा जा सकता है सवाल, दोस्तों बहुत डीप नहीं फिर भी सतही सवाल तो आपको मालूम ही होना चाहिए। मैन एंड सुपरमैन के जो रचनाकार हैं वो जीवी शाह हैं और यह एक फोर एक्ट ड्रामा है। ठीक है दोस्तों, फिर है आपका आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन इज अ कॉमेडी बाय शाह हुज टाइटल्स कम्स फ्रॉम द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ वर्जिल्स एनिड। तो दोस्तों वर्जिल के एनिड से इस टाइटल को लिया गया है आर्म्स एंड द मैन। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, जरूर बताएगा कि आपको सेशन दोस्तों कैसा लगा। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में दोस्तों कोई भी खर्च नहीं आता है, और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए कंसेप्ट के साथ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बहुत जल्द ही आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो लाने वाला हूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।